हेलो दोस्तों, जॉब 24 से हमारा आपका स्वागत है। एक नई वैकेंसी आई है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से। ये कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी है। तो मैंने पहले भी अपने चैनल पे इसके बारे में कुछ दिन पहले डाला था वीडियो कि इसकी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, तो अभी वैकेंसी आ चुकी है, तो आप देख सकते हो। तो जूनियर ओवरमैन, माइनिंग सिरदार और डेप्यूटी सुपरवाइजर के लिए आई है वैकेंसी। टोटल मिला के आप देख सकते हो कितनी पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर ओवरमैन के लिए 149, माइनिंग सिरदार के लिए 201 और डेप्यूटी सुपरवाइजर के लिए 20 वैकेंसी। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई है और बेसिक पे भी इन्होंने अच्छा रखा है। 31,852.56 पर मंथ आपको ये मिलेगा। ठीक है, सबके लिए पे मेट्रिक सेम होगा। उसके बाद आप देख सकते हो जो इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा है यहाँ पे जूनियर ओवरमैन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड के लिए। मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास होने चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए 3 साल का। उसके बाद वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, माइन सेफ्टी अंडर कोल माइंस रेगुलेशन के ओर से। उसके बाद वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो माइनिंग सिरदार इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी है उसके लिए 10th पास होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन पास। वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए माइनिंग सिरदारशिप इश्यूड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। देन उसके आपके पास वैलिड एड सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो फिर इनमें से कुछ होना चाहिए। ठीक है, या तो फिर आप जो ऊपर क्वालिफिकेशन दिया है वो भी अप्लाई कर सकते हो। मेट्रिकुलेशन, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग, उसके बाद आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट, इन दोनों में से कोई भी। उसके बाद तीसरी वैकेंसी डेप्यूटी सुपरवाइजर इन टेक्निकल एंड सुपरवाइजर ग्रेड सी। उसके लिए 10th पास होना चाहिए और सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपटेंसी ग्राइडेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट दी गई है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। तो आप इस डेट के हिसाब से 10 जनवरी 2019 के हिसाब से आपकी बर्थ डेट कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन दी गई है एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, आप देख सकते हो यहाँ पे। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका सिर्फ रिटन टेस्ट होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। उसके बाद जैसे रिटन टेस्ट आप पास हो जाओगे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उस हिसाब से आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए वहां पे बुलाया जाएगा। और जो बुलाया जाएगा वो एक वैकेंसी के लिए 2 लोग बुलाए जाएंगे, मतलब 1:2 रेशियो में लोगों को बुलाया जाएगा जो रिटन टेस्ट पास हो जाएंगे। उसके बाद देख आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ रिटन टेस्ट होने वाला है, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो रिटन एग्जामिनेशन होगा दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। तो यहाँ पे ये एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ से आने वाले क्वेश्चन। तो टोटल मिला के एक ही पेपर आपका होगा, उसमें 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो आप देख सकते हो सेक्शन ए होगा उसमें आएगा जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड। ठीक है, एंड सेक्शन बी होगा उसमें देख सकते हैं आप, ए होगा उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, एक एक मार्क्स का हर एक क्वेश्चन आएगा। और जो सेक्शन बी होगा उसमें आप देख सकते हो टेक्निकल नॉलेज होगा आपका, जो भी ट्रेड है उसके हिसाब से टेक्निकल नॉलेज होगा। और उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन ठीक है एक मार्क्स का होगा, टोटल मिला के हो गए 100 मार्क्स। तो ए सेक्शन 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स का, और बी सेक्शन 80 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स का, मतलब 100 मार्क्स हो गए, ये हो गया आपका। उसके बाद ये हेल्थ एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला है, जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो जो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं और ओबीसी वाले हैं उनके लिए 100 रुपये रखी गई है, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन वालों के लिए आप देख सकते हो, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए यहाँ पे 1 मिनट, हाँ ये रहा, एक्स सर्विस में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए से 100 रुपये रखी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, मैं लिंक नीचे दे दूंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको नीचे दे दूंगा मैं, आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर लिखा गया है कैसे आपको अप्लाई करना है। और जो रजिस्ट्रेशन डेट होगी वो 21 दिसंबर 2018 से 10 जनवरी 2019 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर सकते हो, तो ये डेट आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी डेट दी गई है कि आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कब होगा, सब आपको वेबसाइट पे बता दिया जाएगा, खाली आप ये 2 डेट याद रखिए फिलहाल।
ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, आप दूसरी वीडियो आके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम डिफरेंट जैसे कि इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा, आईटीआई है, डिफरेंट जॉब्स के रिलेटेड हम रोज बताते रहते हैं। हमारी वेबसाइट है job247.com, आप उस पर जाके देख सकते हो। हम रोज वहाँ पे जॉब अपडेट करते हैं और वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी भी दे सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए रोज। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।